मैं थोड़ा सा आपको कालका रेलवे स्टेशन का टूर करा देता हूँ। काफ़ी सुंदर बना हुआ है, काफ़ी बेहतरीन, बैठने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। अंकल, शिमला के लिए जो ट्रेन जाती है सबसे पहले किस टाइम जाएगी? 5:45 से। जो 5:45 पे ट्रेन जाने वाली थी वो तो जा चुकी है। मैं जिससे जाऊँगा वो है ये। मैंने ये माउंटेन देखे ना, यहाँ देखें आप ये सामने, एक अलग ही खुशी, मतलब दिल में एक बहुत ही, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है सफ़र में। और आप बने रहे मेरे साथ। बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था क्या है। और पहुंच ही गए हैं, क्योंकि तकरीबन 5.5 घंटे हो गए। टॉय ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार यही रहती है, मैक्सिमम रफ्तार जो होती है वो 15 किलोमीटर, इसीलिए इतना वक्त लग गया। और ये मान के चलें कि दिल्ली से कालका तक उतना टाइम लगा जितना टाइम कालका से शिमला तक लगा है। अब दिल्ली से कालका कितनी ज़्यादा दूर है, और ये 96 किलोमीटर 5.5 घंटे में। और ये हो गया यहाँ से एग्ज़िट, यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे ना, थैंक यू। और लक्कड़ बाज़ार के लिए क्या मिलता है यहाँ से? थैंक यू। तो जनाब हालत हो गई है ख़राब बिल्कुल। और अच्छा ये लग रहा है कि भाई पहली बार हिल स्टेशन आया हूँ, तो एक अंदर से बहुत अजीब सी, मतलब खुशी है, और मतलब एक अच्छी उमंग के साथ बस चल ही रहा हूँ। थकान जो है वो महसूस हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। मास्क लगा लूँ, कभी चलान कट जाए तो। ये है जी आपका शिमला। यहाँ से लक्कड़ बाज़ार जाने के लिए क्या मिल सकता है? आगे बस ले लो, आगे से आगे बस स्टैंड है। ये तो बसें जा रही हैं, बाहर रुकती हैं। लक्कड़ बाज़ार से बस ले लो, लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड से। और मुझे लक्कड़ बाज़ार ही जाना है। हाँ तो आगे बस ले लो, लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड से। अच्छा अच्छा था, थैंक यू। तो जनाब सीन ये है, मैं रेलवे स्टेशन से निकला, रेलवे स्टेशन है ये लाइन जो दिख रही है ना, ये वहाँ तक जा रही है। वहाँ से निकलने के बाद बहुत सारे बंदे मिल गए, ये होटल वगैरह हैं, और बहुत सारे बंदे मिल गए कि चलो होटल चलो होटल चलो, सस्ता करा देंगे ये वो, लेकिन मेरा ऑलरेडी बुक हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने होटल के वहाँ बंद होकर रिस्पॉन्स दिया नहीं। अब फाइनली है, एक भाई से पूछा, वो बता रहे हैं कि लक्कड़ बाज़ार आ गया है। तो मैंने लोकेशन भी डालकर देखी थी, मैं भी लक्कड़ बाज़ार 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, 2.4 किलोमीटर। सोच रहा हूँ पैदल निकल जाऊँ, नहीं तो आगे से बस स्टॉप पे जाकर बस ले लूँगा। मास्क लगाओ और निकल जाओ माल रोड के साइड। और माल रोड पे जाने के बाद लक्कड़ बाज़ार, और लक्कड़ बाज़ार में देखते हैं अपना आसियाना। जलपान होने के बाद टेंशन आधी हो गई ख़त्म, खाने पीने की नो टेंशन। अब जाना है, एक्सेस लेना है, और एक्सेस लेने के बाद सो जाना है। ओहो यहाँ से चढ़ना है।
खाया पिया तो सारा हजम हो गया भाई, इतनी चिड़िया चढ़ने की आदत नहीं है। अच्छा लग रहा है ये सब बिल्डिंग्स फोटोज में देखी थी, आज रियल में देख के अच्छा लग रहा है। बाकी कैमरा करता हूँ ऑफ क्योंकि यहाँ आर्मी के व्हीकल खड़े हुए हैं, कभी कोई दिक्कत हो जाए। ये से आपा जो किया है ना, ये खुद किया है। एक भाई ने कहा था टनल में होके चले जाओ, पर नहीं, माल रोड होके जाना है, तो जाओ माल रोड होके। अब मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वो वहाँ नीचे से। वो है एक थीरा शिमला है इसी केस में। एक्सक्यूज मी, नीचे ये डॉगी है ना, अराइव फ्रॉम डाल दो। आप कहाँ से आ रहे हो अभी? दिल्ली से। हाँ तो दिल्ली डाल दो इस वाले में। बस भाई मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे 16 घंटे हो गए ट्रैवलिंग करते करते। मैंने इसीलिए आपसे बोला था, आपने कहा नहीं, तो फिर मैं बाहर थोड़ा सा फिर मैं घूम फिर लिया। आप ले सकते हो इनमें से कोई सा भी जो आपको सही लग रहा है। ये चाहो ये दे दो, ये चाहो ना, आप आपको जो चाहिए आप वो ले लो। मैं बता देता हूँ, रूम में ड्रिंकिंग स्मोकिंग ईटिंग अलाउड नहीं है, नहीं होती है तो। और अगर आपको ड्रिंकिंग एंड ईटिंग करनी है तो डाइनिंग टेबल है, ठीक है। स्मोकिंग करना है तो बालकनी है, ठीक है। तो शेड किचन भी हमारे पास, तो उसमें यूटेंसिल्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ आपको। दिखा दो। हाँ दिखा दीजिए। सो दिस इज अवर ना कॉमन एरिया, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, काम कर सकते हो यहाँ पे। जी जी जी। और दिस इज अवर शेयर्ड किचन, सो यूटेंसिल्स है इसमें, है ना। एंड ब्लैक कॉफी एंड ब्लैक टी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड माइक्रोवेव कुछ गर्म करना है, वी हैव टोस्टर आल्सो, वाटर फिल्टर आल्सो, ठीक है। ग्लासेस इधर है, प्लेट्स इधर है, स्पून इधर है, नाइफ इधर है। और खाने वगैरह से क्या रखते हैं आप? खाना हम कुछ देते नहीं एक्चुअली। सो क्या होता नहीं है? अगर उसका पेट करते हो तो नहीं, तब भी नहीं। ये शेयर्ड किचन है, आपको लाना पड़ता है स्टफ, लाइक मैगी लाए, आप कुक करा, आपने खाया, उन बर्तन को वॉश किया, वापस रख दिया, ठीक है। सो इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, बट हम आपका हेल्प कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ अगर चाहिए आपको तो दे सकते हैं हम आपको। सब अपने लिए खूब बनाते हैं, नॉर्मली मैं भी खुद ही बनाता हूँ। नहीं, अब मैंने स्टार्ट किया तो मैं खैर खुद तो नहीं बनाऊंगा, और कुछ ले आऊंगा। एक दो होटल के हमारे पास नंबर है, तो यू कैन ऑर्डर आल्सो ना फ्रॉम हियर। ओके ऑर्डर कर दूंगा, नहीं तो फिर उठ के कुछ
मॉल रोड इज नॉट दैट फार, नजदीकी है, सो हम से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई चीज नहीं है ना। बाकी इतना ही है, अभी कॉम एरिया वाला बालकनी देख लो, बालकनी से अच्छा भी होता है। हाँ वेलकम देखते हैं आपके, बाकी एक होटल का टूर लेंगे कल सुबह। हाँ ये है।